हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि मीटरडोज इन्हेलर को अस्थमा और क्रोनिक लीवर डिजीज़ में विदाउट स्पेसर हमें कैसे यूज़ करना है। लंग्स पेशेंट के लिए जो नॉर्मली डॉक्टर जो है इन्हेलर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं इनकी इमरजेंसी और रेगुलर यूजेस के लिए। इन्हेलर एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके ज़रिए जो है आप मेडिसिन को स्प्रे की फॉर्म में और ब्रीथ इन्हेलेशन की फॉर्म में अपने लंग्स तक डिलीवर कर सकते हैं। इन्हेलर को यूज़ करना बहुत ही ईजी लगता है, बट बहुत से लोगों को इसके यूज का सही तरीका नहीं पता होता। आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इनहेलर्स के थ्रू हम अपनी मेडिसिंस को अपने लंग्स तक प्रॉपरली कैसे डिलीवर करवा सकते हैं और एक इफेक्टिव रिजल्ट उसमें से ले सकते हैं। इनहेलर को स्पेसर के साथ बहुत ही बेस्ट तरीके से यूज़ किया जा सकता है, बट विदाउट स्पेसर आपको इसके साथ बहुत सी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप इनहेलर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप माउथ पीस चेक करेंगे ताकि कोई फॉरिन बॉडी उस माउथ पीस में ना हो। किसी भी चीज़ को इनहेल करने से पहले उसको आप इंश्योर करेंगे और आप इसको शेक करेंगे 10 to 15 टाइम्स और इन्हेलर को अपने बिल्कुल सामने अपराइट होल्ड करेंगे। आप स्टैंड अच्छे से अपराइट होकर बैठ जाएंगे और नॉर्मल सांस को लेंगे और इन्हेलर को अपने टीथ के बीच में ग्रैस्प करेंगे और इसके बाद अपने लिप्स के साथ प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम बनाएंगे ताकि कोई भी मेडिसिन और एयर बाहर ना हो, और अपने हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करके 2 times or 1 time आप पफ पुश करेंगे मेडिसिंस का। आफ्टर दैट आप जो है ब्रीथिंग स्लोली और एज डीपली आप लेते रहेंगे और इन्हेलर को अपने माउथ से रिमूव करेंगे और ब्रीथ को 5 to 10 सेकेंड के लिए अपने माउथ में होल्ड करेंगे और स्लोली ब्रीथ आउट कर देंगे बिल्कुल। अगर आपको सेकंड पफ की ज़रूरत है तो उसके लिए आप 1 minute का वेट करेंगे और आप कैप जो है उस पर इन्हेलर पे डाल के उसको इंश्योर करेंगे और आफ्टर दैट आप गार्गल और रिंस करेंगे अपने माउथ को वाटर के साथ। आप पानी अंदर बिल्कुल भी स्वेलो नहीं करेंगे। थैंक यू।